अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आपके सफ़र YouTube चैनल पे। साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर दोस्तों आ रही है वो साथियों आ रही है फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में और कतर के। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कतर और फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में लगातार 2 महीनों से ज़्यादा गुजर चुका है, जंग जारी है। तो साथियों, कतर ने भी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया था, कतर चैरिटी की तरफ से जो संस्था है, कि कतर की तरफ से फ़्लाइटें भेजी जाएंगी और फिलिस्तीन में जो भी वहाँ पर मरीज़ अखराजात है, यानी जो भी जिसको ट्रीटमेंट किया इलाज की ज़रूरत है उसको लाया जाएगा, उसको इलाज किया जाएगा। तो साथियों, कल के दिन पहली जो बैच है फ़िलिस्तीन से लाया गया और सभी मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट की गई। जैसा कि दोस्तों खबरों में आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ़िलिस्तीन फ्रॉम गाज़ा अराइव इन कतर फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट। अगली खबर दोस्तों हमारे साथियों, वीडियो को सुन पे साथियों जिनके फोटो आप देख रहे हो, इन दोनों खैर बाखूबी अच्छे से पहचानते होंगे। साथियों, एक तरफ कतर के आमिर साहब है और दूसरे तरफ टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप अर्दोगन तैयब साहब है। तो दोस्तों, कल 4 तारीख को यानी 4 दिसंबर को कतर के आमिर शेख तमीम अल थानी साहब और जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब अर्दोगन साहब, लुसेल प्लेस में उन दोनों के बीच में मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएँ की गई, खासतौर पर फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में जंग जारी है उसमें दोस्तों खासतौर तवज्जो दिया गया और इन सभी मुद्दों के बारे में दोस्तों बातचीत वगैरह की गई। अगली खबर दोस्तों हमारे साथियों क्रिकेट को लेकर। तो भाइयों, जैसा कि आप लोग जो भी क्रिकेट के फ़ैन हो तो आप लोग को पता ही होगा, कुछ दिन पहले ही अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 50-50 ओवर का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में हरा दिया। तो साथियों, अब फिर से T20 वर्ल्ड कप 2024 में स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर लगभग 20 टीमों का चयन किया गया है। तो दोस्तों, इसमें नई नई टीमें काफ़ी देखने को आपको मिलेगी। इसमें दोस्तों खेलने वाली टीम होंगी इंडिया, इसमें होगा यूएसए, दोस्तों यूएसए पहली बार खेलेगा, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड। वहीं पे साथियों अगला होगा पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड दोस्तों न्यू टीम होगी। वहीं दोस्तों अगला होगा इसमें PNG, कैनेडा, नेपाल, ओमान, नबीबिया और युगांडा। तो ये सभी टीमें साथियों इस बार T20 वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलने वाली, तो काफ़ी इस बार मज़ेदार T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। अगली खबर दोस्तों वाले साथियों, मौसम विभाग की तरफ से यानी कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि फॉग फॉर्मेशन टू अफेक्ट विजिबिलिटी फ्रॉम टुमारो अंटिल वीकेंड। साथियों, कतर के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग की तरफ से ये बताया गया है, सभी को एक मान के चलिए एक तरह का चेतावनी दी गई। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी ठंड का मौसम लगभग आ ही चुका है, तो ठंड जैसे ही आता है तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे इंग्लिश में फॉग कहा जाता है, जैसे कुहासा भी आप कह सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बढ़ने वाला है। तो आप लोगों को सभी को हिदायत दी गई है, जो भी ड्राइविंग वगैरह करते हो गाड़ी थोड़ी संभाल के समय, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो ये कल से ही होगा, स्टार्ट हो जाएगा, खासतौर पर ऑल घनी एरिया में, फिर ग्रैंड हमद स्ट्रीट में, रवदात अल खलील में, सोक वाकिफ में, तो बहुत सारे जगहों पर दोस्तों ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली। तो बिल्कुल संभल के चलिएगा, गाड़ी संभाल के चलाइएगा, विजिबिलिटी काफ़ी कम होगी। तो साथियों, छोटी सी खबरें थी, अपडेट्स थी, मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, टेक केयर।